आज मैं जा रही हूँ नई कुछ नई वीडियो शूट करने के लिए, और कुछ लोकेशन भी अलग होगी। और अभी मैं घर से निकल रही हूँ और समय हो रहा है 12 बज रहे हैं, और देखते हैं रात को हम कितने बजे तक वापस आ पाते हैं। और ये मेरा लुक है, देखिए इसी लुक में आज आपको ढेर सारी शॉर्ट वीडियो मिलेंगी। और प्लीज़ अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं आपको अपनी अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आपको दिखा सकूं। और आज मैं जा रही हूँ शॉर्ट वीडियो शूट करने के लिए, क्योंकि देखो फाइनली आज धूप निकल चुकी है दिल्ली में, क्योंकि 2-3 दिन से धूप नहीं निकल रही थी। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ, अब मैं जा रही हूँ, टाटा बाय बाय। और हमने यहाँ पे पकड़ी मेट्रो और हम मेट्रो में बैठे। मेट्रो में बहुत ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि संडे था, संडे को बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। और यहाँ हम पहुँचे झंडे वाला, और यहाँ पे आएगा हनुमान जी का मंदिर जो दिल्ली का सबसे फेमस है, पर यहाँ पे कुछ काम चल रहा है तो बंद है। मेट्रो से आ गए हैं बाहर, अब हम जा रहे हैं बाहर। यहाँ की लोकेशन बहुत अच्छी है, और मेट्रो स्टेशन से बाहर निकल रहे हैं हम लोग। अभी यहाँ से मेरे मौसी का घर सिर्फ 10 मिनट की दूरी पे है। हम मेट्रो पकड़ के भी जा सकते थे आईटीओ वाली, बट हम मंडी हाउस उतर गए क्योंकि हमें थोड़ा पैदल चलना था और थोड़ी सी वीडियो भी बनानी थी, तो इस वजह से हम पैदल ही जाएंगे। देखिए बहुत अच्छा सा पार्क है ये घूमने के लिए, और अभी मैं देखती हूँ उसके अंदर जाके। इसकी एंट्री, यार एंट्री बहुत अच्छी है, आप देख सकते हैं, आप आ सकते हैं। मंडी हाउस है ना, बिल्कुल मंडी हाउस के मेट्रो स्टेशन पे आप उतरोगे ना, आप इस गार्डन में पहुंच जाओगे, बिल्कुल सामने ही है, बाहर निकलते के साथ। बहुत खूबसूरत है यार, बहुत खूबसूरत। ये देखिए, ख़ास करके मुझे जो अच्छा लगा ना यहाँ पे, मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ की ये चीज़ है। ये देखो ये जो इन्होंने गेट्स बना रखे हैं ना, वो बहुत ही प्यारे। और ये देखो इन्होंने ना ये ऐसे बास्केट के अंदर इस तरीके से इसके अंदर ना फ्लावर्स उगा रखे, बास्केट है ये, और बास्केट के अंदर इन्होंने फ्लावर्स लगा रखे। और बहुत छोटा सा गार्डन है, कोई ज़्यादा खास बड़ा नहीं है, बट बहुत सुंदर है यार, ये देखो। हम यहाँ चढ़ रहे हैं इस पुल पे, इस पुल को क्रॉस करने के बाद आएगा मेरी मौसी का घर। और ये है तिलक ब्रिज रेलवे स्टेशन, ये देखिए ये है रेलवे स्टेशन तिलक ब्रिज वाला। और मेरी तो सांस खुल गई चढ़ते चढ़ते। और यहाँ पे ट्रेन भी आ रही है, देखो खाली एक इंजन का डब्बा था, ट्रेन भी नहीं थी, ट्रेन खड़ी हुई है यहाँ पे, पर मुझे नहीं पता वो कौन सी है। और मैं सीढ़ी चढ़ते चढ़ते मैं थक गई, अब मैं जा रही हूँ, अभी उतरना भी हमें, और फिर मौसी का घर आएगा। आएगा नहीं तो है तो इधर से बाउंड्री क्रॉस करके जा सकते हैं, बट नहीं, आगे से घूम के जाना पड़ेगा मौसी के घर। पर ये बैक है, मैं यहाँ से क्रॉस करके जा सकती हूँ, बट मैं नहीं जाऊँगी क्रॉस करके, आगे गेट से जाऊँगी, नहीं तो सब बोलेंगे चोर है। और यहाँ एंट्री की हमने एक छोटा सा गार्डन आना है तो, और हम यहाँ ले रहे हैं एंट्री। और ये देखो मेरी मौसी के घर पे कितने सुंदर सुंदर फूल है। कोई है, कोई है? अरे ये मौसी हैं। और ये देखो कैसे झूमती झामती आ रही हैं, अरे हट जा, स्वागत कर रही हैं ये हमारा, हमें वापस निकाल के ये हमारी आरती उतार रही हैं। मौसी के लिए अब इनका रिएक्शन देखते हैं, इसको देख के क्या होगा। मौसी ये लो,
ये देखो दोनों माँ बेटियाँ क्या कर रही हैं। वो नहीं लेके। और ये देखो नानू क्या कर रही है, चाय बन रही है चाय। और ये देखो गाजर का हलवा भी बन रहा है। ये देखो मैं चाय में ये डाल रही हूँ चमनप्रास, डावर चमनप्रास। ये तो पागल है ये। ए नहीं यार, इसके अंदर चाय पत्ती। हमें मिडिल क्लास फैमिली है ना, हम डब्बों को यूज़ करना जानते हैं कैसे करते हैं। और यहाँ पे आया हमारे लिए चाय नाश्ता, और मैंने पी चाय। उसके बाद मैंने नानू को बोला बहन जल्दी तैयार हो जा, फिर चलते शूट करने के लिए। शूट करने के लिए कहाँ जा रहे निधि हम? वो क्या नाम है, लोडी गार्डन। ए चुप। राजघाट जा रहे हैं अब हम शूट करने के लिए। और ये देखो मैंने मौसी का घर पीछे से दिखाया था, अब आगे से दिखा रही हूँ। दिवाली आ रही है। दिवाली आ रही है इनकी। देखो कितना अच्छा गेट सजा रखा है इन्होंने। सब जा रहे हैं व्लॉग शूट करने के लिए। और ये देखो कितने सारे लोग हैं। और अब हम पता नहीं कैसे जाएंगे, पता नहीं कहाँ से लेके जाएगी। हम बस से जाएंगे। चलो बस में भी आपको शूट दिखा देंगे कैसे हम चढ़ेंगे, सारे पांच लोग हैं। और यहाँ पे बैठे हम लोग सब बस के अंदर। फिर हम उतरे बस से नीचे। हम आए थे गूगल मैप के भरोसे, और अब हम चलते जा रहे हैं और हमें रास्ता नहीं मिल रहा है। इसलिए प्लीज़ कोई भी गूगल मैप पे भरोसा ना करे। और ये इस गूगल मैप की महारानी, जिसने हमें आधे घंटे से पैदल चलवा रही है और अभी आधा घंटा और चलवाने वाली है। और हम चलते जा रहे थे और इतनी रास्ते में हम लोग सारी मस्तियां कर रहे थे। यार दिल्ली के रोडों पे ये देखो बहुत शांति है यहाँ के रोडों पे। हम एंट्री करने वाले हैं। चलो हमें पांच तितलियां। और हम आ गए इस गार्डन में। यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर नज़ारे हैं। यहाँ पे झील है। और यहाँ पे हमने बनाई बहुत सारी वीडियो। और फ्रेंड्स सब यहाँ पे शूट करते करते हमें एक भैया भी मिले हैं जो यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, और उनके साथ ये मेरी कैमरामैन वीडियो बनाने वाली है। और पता नहीं ये लोग क्या करने वाले हैं, मैं आपको दिखाऊंगी पूरा कि ये लोग क्या करेंगे। और वो उनका चैनल अभी नया है, मैं आपको उनका आईडी दूंगी। जवाब ना देने के पैसे मिल रहे हैं, देखो कमेंट करना। ओ भैया अरे इसको इनके चैनल की आईडी भी मैं आपको बताऊंगी, और आप उनको भी सपोर्ट करें। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, उनके भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वो भी बहुत भाईचारे में और वो बेचारे बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ का ये व्यू है। अरे ये क्या हो गया? कैसा लग रहा है इसका पागलपंती देख के? झूला झूल लिया है। और वो भैया भी जा चुके हैं जो YouTube वाले थे, ये उनके साथ शूट करके आई है पागल। पहले ये एक राजा का महल था, और अब क्या है ये? रासलीला रचाने वाला महल है। अब ये किस चीज का महल है बताना चाहोगे? कपलों का सॉरी। और यहाँ पे पहुंचे हम महल के पास। और जो ये लोधी गार्डन है वहाँ पे जो मेन है वो यही दो महल हैं। ये मुझे नहीं पता किसके महल हैं, बट ये दो महल हैं जो अब लव कपल्स के
लव कपल्स का घर बन गया है जो सोच सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे भी एक ये है और एक इधर है। यहाँ पे बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स के साथ अपने आए हुए थे, बहुत सारे लोग अपने पिकनिक करने के लिए, और बहुत सारा मतलब लोग इंजॉय कर रहे थे अपने फैमिली के साथ। ये देखो यहाँ पे फैमिली पिकनिक भी चल रही थी। कपल्स तो आपको पता ही है आजकल हर जगह मिल ही जाते हैं, उसके लिए कोई भी वो नहीं है, पर मज़ा बहुत आया। हो गया देखो यहाँ पे आवारा लड़कों के प्यार की निशानी, ये देखो ये घोपचे हैं जहाँ पे ये लोग रोमांस करते हैं। और यहाँ पे थी सुंदर सुंदर सी बतख, बहुत सारी और भी चीज़ें थी। हम तो थोड़े जल्दी में थे तो इतना ही घूमे, फिर हम वहाँ से निकले और हमने फिर खाया पिज़्ज़ा और चिल्ली पटेटो। और रात में दिल्ली बहुत सुंदर, और यहाँ पे दिखा हमें इंडिया गेट, और इंडिया गेट रात में बहुत सुंदर लगता है। यहाँ पे इतनी भीड़ थी मैं आपको क्या बताऊँ, हम सोच रहे थे जाएं बट हम नहीं जा पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। फिर हम निकले अपने घर के लिए और रास्ते में दिखे थे हमें ये बाबा जी बैठे हुए। और रात में दिल्ली यार बहुत सुंदर लगती है, बहुत ज़्यादा सुंदर। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।